के सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। देखिए योगी जी का 4.5 साल जो कार्यकाल रहा है वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को मिलना एक ऐतिहासिक कार्य है और मैं योगी जी का वंदन करता हूँ। और योगी जी ने कहा था एंटी टॉप फोर्स बनाया था भू माफियाओं पर, मुख्तार जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, इन अपराधियों का जो गरीबों की जमीन हड़प कर हड़पे हुए थे उनको खाली कराया, बुलडोजर से गिरवाया। जिन अपराधियों के तरफ मुलायम सिंह मायावती मेहरबान रही लेकिन वोट की राजनीति नहीं किए, भू माफियाओं को उनको अवकात में लाए। मैं आपको बता दूं कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जहां शांति होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है, योगी जी संत हैं और इसीलिए जाने कि जब अशांति रहेगी तो लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए जो ये शैतान है भू माफिया गरीबों की जमीन को लूट कर धनवान बने बैठे हैं, इनका पहले समापन होना चाहिए। उसको समापन किए अतीक अहमद, गणेश दत्त मिश्रा, मुख्तार अंसारी, एक छोटा मोटा और भी है भू माफिया मंटू सिंह, तमाम लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कुछ बाकी है अभी चल रही है। और एक बात बता दूं आपको, इस 4.5 साल के कार्य में महत्वपूर्ण कार्य कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब 1952 में भारतीय जनता पार्टी का अरे भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो उन्होंने कहा था कि आज़ादी का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान और उनका विकास नहीं होगा तब तक आज़ादी का सपना पूरा नहीं होगा। योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने तो हमारी माँ बहनों की जो आबरू शौचालय के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ होता था, शौचालय बनवाया, आवास न होने के कारण चचरा लगा रहता था झोपड़ियों में, आ झोपड़ी तोड़कर घुस जाते थे और माँ बहन बेटियों के साथ जो है गलत कार्य करते थे, विदेश में भी भारत की शर्मसार होना पड़ता था, उसको समापन के लिए उन्होंने आवास दिया। जो गरीब हॉस्पिटल के सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकता था 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत के नाम पर उनको कार्ड दिया, क्या 5 लाख का किसान सम्मान निधि दिया, भाई बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो पैदा हो रहे हैं उनके लिए दिया, तमाम योजनाएं, गैस कनेक्शन जो 5000 रुपया लेकर एजेंसी पर दौड़ता था नहीं मिलता था फ्री कनेक्शन, 3000 रुपया लेकर बिजली के लिए दौड़ता था फ्री कनेक्शन, खाता खोलने के गरीब जाता था शाखा प्रबंधक डांट के भगा जाता, पैसा देता था उसके बाद भी खाता नहीं खुलता था, जीरो बैलेंस बिना पैसा का खाता खुला। मऊ के लिए क्या हुआ? देखिए मऊ के लिए, मऊ का तो एक विधायक 25 साल से बंद है जेल में, 18 साल से कुछ किया नहीं, केवल लूटा है। क्योंकि मऊ का प्रतिनिधि, आज समय आ गया है, मैं अपने जनता से अपील करना चाहता हूँ कि यह समय 6 महीना के अंदर आने वाला है और इस भू माफिया को, अपराधी को जो जेल के अंदर है उसको इस धरती से मऊ के जनाजा उठा दिया जाए ताकि कोई मऊ का लाल यहाँ का प्रतिनिधि बने, ताकि जो विकास का कार्य जो हमारी यूपी स्टेट मिल बंद है, स्वदेशी काटन मिल बंद है, यहाँ टेक्निकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात चल रही है, या जब हमारा प्रतिनिधि रहेगा तो सदन में रखेगा, सदन में पास होगा और बनेगा। मैं अपने मऊ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार जाति पात भेदभाव और मुख्तार के पैसे पर बिकना मत मेरे दोस्तों, नहीं तो फिर वही झेलोगे। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जात पात से हट के, और खासकर उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी जो ये अपराध का जो यहाँ पे जो बीज बोया है इस पर चिंतन करना है, इसको जड़ से उखाड़ कर अपराध को फेंकना है अब मुख्तार के साथ, ताकि गाजीपुर नदी में जाकर उधर रहे, मऊ की जनता का जीवन छोड़ दे। मैं पुनः आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ कि इस बार जो है चुनाव हो रहा है तो मुख्तार अंसारी का जनाजा उठना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।